हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक फर्टिलाइजर बताने जा रही हूँ। ये जो फर्टिलाइजर होते हैं, ये रोजाना ही हमारे रसोई घर से निकलते ही रहते हैं। जैसे आलू हम उबालते हैं, या दाल का पानी है, या चावल का पानी है, और इस तरह जो सब्जियाँ होती हैं उनके छिलकों का जो हम फर्टिलाइजर बनाते हैं, केले के छिलकों का फर्टिलाइजर बनाते हैं, संतरे के छिलकों का फर्टिलाइजर बनाते हैं, ये सब हमारे किचन में ही मौजूद होते हैं। हमें कहीं से भी खरीदने नहीं होते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं और बिल्कुल ही फ्री के होते हैं। तो रोजाना ये इस तरीके के जो फर्टिलाइजर हमारे घर से निकलते हैं, रसोई घर से, उनका उपयोग जो है हम अपने गार्डन में कर सकते हैं। बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलता है उनको, प्लांट्स को, बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं। तो जिस तरह आप देख रहे हैं, ये अभी मैंने अरबी जो है उबाली है और ये आलू मैंने उबाले हैं। तो जो अरबी होती है, अरबी में भी बहुत अधिक पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और जो आलू होते हैं, आलूओं में भी जो है बहुत अधिक पोटेशियम होता है, आयरन होता है और प्रोटीन भी होता है। तो इस तरीके से देखिए, ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो है घर में जो सब्जियां होती हैं उनमें ही मिल जाते हैं, और ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं इन न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि प्रोटीन है या पोटेशियम है। तो ये सब चीज़ें देखिए इन्हीं में ही मिल जाती हैं, जो चीज़ें हमें अपने घर से रोज आना, चाहे वो दाल का पानी हो या इस तरीके से उबालते हैं हम आलू। तो आज मैंने देखी ये जो है उबाला है अरबी का पानी। तो इस तरीके से आप जो है ये पानी जो है अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद इस तरह एक छन्नी की सहायता से हम इसे छान लेंगे। ये देखिए, ये छान लेंगे, और छानने के बाद जो है इसमें हम जो है नॉर्मल पानी ऐड कर देंगे। ये नॉर्मल पानी है और ये नॉर्मल पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया, और ये आप अपने सभी प्लांट्स में दे सकते हैं फ्रेंड, चाहे वो सब्जियों के हों, फूलों के हों, या किसी भी प्रकार के प्लांट्स हो, आप सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। ये मेरे कुछ स्टेयर्स में रखे हुए प्लांट्स हैं, तो ये जो फर्टिलाइजर है थोड़ा थोड़ा हम सभी प्लांट्स में दे देंगे। तो ये मेरा एरोहट का प्लांट है, सिगोनियम का, उसमें दे देते हैं थोड़ा सा, और ये इस तरीके से स्नेक प्लांट में दे देते हैं